हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, जैसे आप सब जानते हैं, बिग बॉस में जय भानुशाली और प्रतीक सहजपाल की फ़ाइट फुल ऑन चल रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रतीक सहजपाल की ओर हैं, उनकी साइड पर हैं, और जय भानुशाली को काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिविटी मिल रही है। जय भानुशाली का कहना है कि प्रतीक उन्हें प्रवोक करते हैं, लेकिन जय भानुशाली अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसके लिए सभी खिलाफ हैं कि उन्हें अपने सेलिब्रिटी होने का भी ध्यान देना चाहिए। वहीं जय की वाइफ माही अपने हस्बैंड की सपोर्ट करते हुए बोल रहे हैं कि करण कुंद्रा उन्हें बैकस्टेप कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पीछे से उनके लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन करण कुंद्रा का भी यही कहना है कि जय को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर जय का आप इंस्टा अकाउंट चेक करेंगे, उनके जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं सभी नेगेटिव आ रहे हैं, सभी लोग उनको बुरा बोल रहे हैं। लेकिन अभी शो का पहला हफ्ता ही स्टार्ट हुआ है, हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। असली जो उनके उभर कर आ रहे हैं किरदार अभी और आएंगे, तो पता लगेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। वैसे जय भानुशाली को आपको बता दें, पर्सनल लाइफ में उन्होंने 2 बच्चे भी अडॉप्ट किए हैं, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। इतनी जल्दी हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वो एक बुरा इंसान है। शेफाली जरीवाला से लेके कई सेलिब्रिटीज़ ने भी उनकी निंदा की है कि वो काफ़ी ज़्यादा बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बट प्रतीक सहजपाल की पॉपुलैरिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। सो गाइज, देखते हैं कि आगे जाके बिग बॉस में क्या होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।